सो वेलकमिंग यू ऑल इन दिस क्लास। हम जून 2023 में अभी जो अटेम्प्ट है उसके लिए जॉन सा सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, इसको हम कवर अप करेंगे। ये दो पार्ट्स के अंदर है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक डायरेक्ट टैक्सेस का। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि उसकी वेटेज 70 मार्क्स की है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और पहले हम वही करेंगे। और थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सी देर इज नो ट्रेंड, ठीक है, और देयर आर टाइम्स जब इसमें से आपको 16 से 20 नंबर का भी पेपर मिला हुआ है, और देयर आर टाइम्स जिसमें से इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। सो यू शुड बी ट्राई टू कवर इट अप दिस क्लास इन द लास्ट, ठीक है। व्हेन एवर यू आर डन विद द सिलेबस एंड यू हैव डन एटलीस्ट वन और टू रिविजन्स, तब ये क्लास अटेंड करनी बनती है। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चैप्टर्स की रेफरेंस आ जाएगी, बहुत सारी प्रोविजंस की रेफरेंस आ जाएगी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं कहूंगा कि जी वहां पर ये था और अब उसकी जगह ये चेंज हो गया, ठीक है। एंड लेट अस से अगर आपने वो किया ही नहीं या फिर आपको बिल्कुल याद ही नहीं, तो ये क्लास आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हिट भी कर सकती है कि जी सर इतनी सारी प्रोविजंस की बातें कर रहे थे, आई हार्डली रिमेम्बर 5% और 10%, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। कुछ पॉइंट्स इसमें मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो हम बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड कवर अप करेंगे, और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स इररिलेवेंट हैं, ठीक है। जैसे कोई सर्कुलर है, कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी पिछले साल जून की GSTR 3B की डेट एक्सटेंड हुई थी, ठीक है, और वो 31 अगस्त हो गई थी, ठीक है। सो दैट इज टोटली जंक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और वो अब सर्कुलर है तो इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर दिया, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। और बताता हूँ जो इसमें इररिलेवेंट प्रोविजंस आएंगी, मैं आपको ज्यादातर रेट्स याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, बिकॉज जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो रेट्स होते हैं दे आर रेडिली गिवन, ठीक है, कि लेट अस से ये प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर ये रेट एप्लीकेबल है, कंप्यूट द GST लायबिलिटी। सो बहुत सारी GST रेट्स के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर्स इशू किए गए हैं कि ये प्रोडक्ट इसमें फॉल करता है या इस रेट में फॉल करता है, वगैरह वगैरह। तो दैट टू वी आर गोइंग टू स्किप, और थोड़ा सा फास्टली इसको हम कवर अप करेंगे ताकि बहुत ज्यादा टाइम और इसको ओवरडू हम ना करें, बट जितना मैं आपको करवाऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्ट्रिक्टली स्टिक टू दैट, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, जिसमें मार्किंग मैंने की हुई है कि कौन सा टॉपिक आपने करना है और कौन सा नहीं करना है। जो रेड कलर की मार्किंग है, दैट टॉपिक, दैट पैराग्राफ, दैट प्रोविजन इज नॉट टू बी रेड, और जो येलो या नियॉन कलर की मार्किंग है दैट इज टू बी कर, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका ये इंडेक्स है, आई गेट, सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जी मेन जो GST है उसके अंदर हमें बताइए। सो एक ये केस लॉ था जी दिल्ली हाई कोर्ट का है, जो फैक्ट्स हैं और जो आगे जजमेंट है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाए, ठीक है, जो ये हाईवेज बनाते हैं जी, इन्होंने टोल कलेक्शन के लिए आउटसोर्स किया ये सहकार ग्लोबल लिमिटेड को, ठीक है, और इनको कहा कि जी आप टोल हमारा कलेक्ट करेंगे। काफी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी कि आपको वीकली हमें देना होगा, इतनी सिक्योरिटी होगी, इतनी गारंटी होगी, इतनी कलेक्शन होगी, उसका ये परसेंटेज आप रख लेना, वगैरह वगैरह। और जब से GST लगा तो उसकी वजह से एक बार बिजनेस बहुत ज्यादा हिट हो गया और उसकी वजह से टोल कलेक्शन बहुत कम हो गई, और इन्होंने कहा कि जी फोर्स मेजोर, दैट इज कंडीशन बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है, और इन्होंने कहा कि जी वी कैनॉट परफॉर्म, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पेनल्टी कैनॉट बी लेवाइड अपॉन अस क्योंकि ये फोर्स मेजोर हो गया। तो नहाई ने कहा कि ये तो कोई फोर्स मेजोर है ही नहीं, ठीक है, तो इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई और उन्होंने कहा कि ये फोर्स मेजोर है, ठीक है। सो द जजमेंट वॉज गिवन इन द फेवर ऑफ द एपेलेंट, और उन्होंने ये बात बोली कि ये फोर्स मेजोर है। नहाए ने ये प्ली की कि जी GST लगने वाला था, इतने सालों से हाइक बन रही थी, GST की मीटिंग्स हो रही थी, तो डेट आपको पता ही थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, डेट बहुत बार एक्सटेंड हुई, तो द करेक्ट डेट कुड नॉट बी वेरीफाइड, सो दिस इज अ सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है। सो एक जजमेंट है, अगर ये सेम जजमेंट पेपर में आ जाती है तो आपको कंक्लूजन पता होगा कि जी जजमेंट किसके फेवर में आई थी और उसके फैक्ट्स क्या थे। केस लॉज ना, मैं एक और चीज, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ उसका ब्रीफ एक बार पढ़ लेते हैं तो इट स्टेज विद यू कि इसमें क्या जजमेंट हुई थी फैक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं।
फूड इन द आंगनवाड़ीज एंड द स्कूल्स, ठीक है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था, केटरिंग का जो सर्विसेज थी। देखिए, स्कूल जो सर्विसेज देता है आगे, दैट इज एग्जाम। स्कूल को जो सर्विसेज मिलती है उसमें बड़ी हैंडफुल एग्जाम थी, और उसमें से नंबर वन थी केटरिंग, ठीक है। और केटरिंग की सर्विसेज अगर आप किसी स्कूल या प्री स्कूल को दे रहे हैं, दैट इज एग्जाम। तो इन्होंने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन, सर्कुलर इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफिकेशन, और जो सर्कुलर हैं दे आर चैलेंजेबल, उसे आप कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी स्कूल है उनके ऊपर भी ये लगेगा, ठीक है। जो आंगनबाड़ी स्कूल है वो मैं आपको बताया था, इट इज लाइक द किंडर गार्डन इन द रूरल एरिया, ठीक है। वहां पर इतने अच्छे प्री स्कूल नहीं होते, तो इसको एक तरह से आप प्री स्कूल मान सकते हैं, थोड़ा छोटे लेवल। आर वी गुड सो फार? सो इट शुड बी कवर्ड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दो चीजें कवर अप की है, केटरिंग, और एक होता है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। ये जैसे यूपी गवर्नमेंट चलाती है कि जी हर रोज स्कूल्स और प्री स्कूल्स के अंदर 5 लाख टिफिन जाते हैं, ठीक है। खाना 5 लाख बच्चों को मिलता है, तो वो जो सर्विस स्कूल को मिल रही है, दैट टू इज एग्जाम, ठीक है। तो आप मिड डे मील स्कीम खाना बनाकर दें, या फिर केटरिंग की सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, बोथ विल बी एग्जाम फ्रॉम द जीएसटी। अगर मैं ये ना भी पढ़ता ना, तब भी शायद मैं यही डिसाइड करता। सो इट वाज अ क्लेरिफिकेशन जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसमें कोई बात नहीं की गई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलर है, इसको ध्यान से सुनिएगा जी। टोल, अगर आपको याद हो, टोल के ऊपर जीएसटी नहीं है, ठीक है। मैं कोई रोड, ब्रिज, कुछ भी क्रॉस करना चाहता हूँ, कोई नया हाईवे बनाए, तो उसके लिए मैं गाड़ी पे टोल पे करता हूँ अपने फास्टैग से, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। अब लेते से मेरे बहुत ज्यादा चक्कर लगते हैं। मैंने एक दिन टोल वाले से खड़ के पूछा कि सर कोई एन्युटी प्लान है, आप साल का ले लो ना मेरे से 2,000 5,000, जो भी आपका पड़ता है, नफा नुकसान फिर देख लेंगे। तो वो कहता है कि यस, एन्युटी प्लान इज ऑल्सो देयर। मैंने उसे 5,000 रुपये देकर अपना पास बनवा लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे टोल नहीं पे किया, बल्कि क्या पे किया, एन्युटी। तो मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि ये एग्जाम है कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यस, इट इज वन वे ऑफ द टोल ओनली, आपने लमसम पे कर दिया हमें, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम। लेकिन इन्होंने क्या क्लेरिफाई किया, लेटर से मैंने किसी को रोड कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दी थी, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट मेरे को कहती है कि आप मेरे लिए सड़क बना दो, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, और मैं उसके लिए रोड की सर्विस दे रहा था, वो सर्विस एग्जाम नहीं है, नंबर वन। और उसमें अगर पंजाब सरकार मेरे को कहती है कि जी अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, क्या करते हैं 10 साल में किश्तों में विद इंटरेस्ट में आपको पे कर दूंगा, उसमें एन्युटी पेमेंट अगर उन्होंने करवा ली, दैट टू इज नॉट एग्जाम। तो ये देखिए जी, तो वो कहता है कि एंट्री नंबर 23 और 23A से ही चीज क्लियर होती है कि जो टोल के फॉर्म में जो कंसीडरेशन है, चाहे एन्युटी के फॉर्म में, दैट इज एग्जाम, दैट इज एग्जाम। बट इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट द एंट्री नंबर 23 ऑफ द नोटिफिकेशन डज नॉट एग्जाम द जीएसटी ऑन द एन्युटी पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने के लिए जो पेमेंट किया, अगर उसमें एन्युटी वो करवा लेता है, तो वो एग्जाम नहीं। ये तो बड़ा इजी सा है, मैं आपको बताता हूँ, टू वे है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर कोई बोर्ड पेपर करवाता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, ये पेपर कंडक्ट करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और इसके लिए अगर कोई फीस वगैरह चार्ज करते हैं, दैट इज एग्जाम, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ था। इन्होंने इसके अंदर एक और चीज क्लेरिफिकेशन दी कि उस बोर्ड को अगर आपने कोई सर्विसेज दिया, वो बोर्ड कहता है कि यार पेपर प्रिंट करवाने पड़ेंगे, तो मेरे को प्रिंटिंग की सर्विसेज चाहिए, तो प्रिंटर ने कहा कि सर 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, वो कहता है आप हमसे जीएसटी नहीं लेंगे, हम पे भी जीएसटी नहीं लगता। अगर कोई बोर्ड को सर्विसेज दे रहा है फॉर दिस आउटवर्ड सप्लाई, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। एक बार रीड कर लेते हैं, तो कहते हैं जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी फी और अमाउंट चार्ज बाय सच बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जीएसटी इज ऑल्सो एग्जाम्ड ऑन इनपुट सर्विस, तो टू वे एग्जाम्ड हो गया, जब मैं आउटवर्ड करता हूँ वो भी एग्जाम्ड है, और जब मैं रिसीव कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो एग्जाम। इन रिलेशन टू द एडमिशन कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ सच ऑनलाइन टेस्टिंग रिजल्ट पब्लिकेशन प्रिंटिंग ऑफ द नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड क्वेश्चन पेपर्स एटसेट्रा। तो ये सर्विसेज व्हेन दे आर प्रोवाइडेड टू सच बोर्ड, वो भी एग्जाम, एंड व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। क्लैरिफिकेशन है, जस्ट अ सर्कुलर, फाइन। और ये ऐसे ही है जी, रेट के ऊपर मेरी तरफ से स्किप है। कंस्ट्रक्शन सच एज द रोप वे और द टर्न की प्रोजेक्ट अगर आपके कोई हैं, तो उसके ऊपर जो रेट है, दैट इज 18%। ये हमने
थरली क्रॉस करना चाहिए. पॉइंट नंबर 5, नॉट टू डू इट. पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आते हैं. ये भी अगर मैं ना पढ़ाता तब भी आपके फर्स्ट जो कहते हैं ना इंस्टिंक्ट, वो ये ही होनी चाहिए थी कि सर ये एग्जाम. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने किसी कंपनी को कहा, बैंक को कहा कि इनको 10,000 करोड़ का लोन दे दो. कहते हैं गिरवी क्या रखवाओगे, हमने कहा चलो हमारी गारंटी हो. ठीक है, हम गारंटी देते हैं, इन्होंने नहीं पे किया आप हमसे ले लें. तो उन्होंने कहा कि जी उस गारंटी के बदले में अगर उस कंपनी ने हमें कुछ पे किया है दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो गारंटी दी है. सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमसे ही जीएसटी लेकर हमें ही दोगे. ठीक है, सच एग्जाम्प्ट कर. सो पढ़ दूं एक बार. सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी टू देयर अंडरटेकिंग्स और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन्स टेकन बाय सच अंडरटेकिंग्स. ठीक है, सो अगर उसके लिए अगर उनको कुछ मिल रहा है, ठीक है, फॉर द फ्रॉम द बैंकिंग ऑथर, दैट विल बी एग्जाम. चलिए जी आगे आते हैं. इस पे भी रेट बताया हुआ है जी. ये स्प्रिंकलर्स आजकल होते हैं ना गार्डन में, वो लगा देते हैं जिससे वो होता है. तो वो कहते हैं कि अगर आप वो या उसके कोई पार्ट्स बना रहे हैं या पूरा बना रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, तो उसके ऊपर रेट 12% स्किपेबल. स्किपेबल इंटरमीडिएट इसका नाम आता है जी, प्लेस ऑफ सप्लाई में. ठीक है, सो जब सेकेंड हम पार्ट करते हैं तो वहां पर वो कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएट के केस में होगा द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट जहां पर बैठा है, जहां पे उसने अपनी कमीशन कमाई है, दैट विल बी द पीओएस, उसको पीओएस माना जाएगा. ये बात समझ में आती है. इंटरमीडिएट की सर्विस को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा कि जो इंटरमीडिएट है उसके ना दो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तभी उसे इंटरमीडिएट माना जाएगा. मतलब उसको थोड़ा और इलैबोरेट किया कि हर एक बंदा कहता था कि सर मैं भी इंटरमीडिएट हूँ, वो भी इंटरमीडिएट है. तो वो कहता है कि जी नंबर 1, मिनिमम 3 पार्टीज होनी चाहिए, एक इंटरमीडिएट, एक फर्स्ट पार्टी और एक सेकेंड पार्टी. ठीक है, जिनको वो दोनों को मिलवा रहा है, बीच में कौन है, इंटरमीडिएट. तो वो कहता है कम से कम 3 पार्टीज तो होनी चाहिए. बहुत अच्छी लाइन उसने बोली, कहता है कि दो डिस्टिंक्ट सप्लाई होनी चाहिए, एक मेन सप्लाई हो जो फर्स्ट पार्टी थर्ड को देगी, ठीक है, और एक इंटरमीडिएटरी ने एक सप्लाई दी हो, दैट इज जो उन दोनों को आपस में मिलवाया, उनका सौदा करवाया एमी के भी और अपनी कमीशन. ठीक है, आप कहें तो वो कहता है कि इंटरमीडिएटरी में क्वालिफाई होने के लिए 2 कंडीशन, नंबर 1 कम से कम 3 पार्टीज होनी चाहिए और 2 सप्लाईज होनी चाहिए. तो मेन सप्लाई जो ए बी को देगा, जिसमें इंटरमीडिएटरी कहता है कि जी मेरा कोई नहीं, और फिर मेरी सप्लाई जिसमें मैंने आप दोनों को मिलवाया, आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाया और अपनी कमीशन कमाओ. हैव गुड. सो ये इंटरमीडिएटरी का जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है ओनली हेडिंग्स. ठीक है, ये सिर्फ अगर आप हेडिंग्स कर लेंगे तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं. तो मेन सप्लाई और एक एंसिलरी सप्लाई. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये अगेन इट इज अ क्लेरिफिकेशन अबाउट द जीएसटी रेट्स, टोटली स्केपेबल. आप बिल्कुल क्रॉस करेंगे जी, इसको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है. ओके फाइन जी. आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि क्लाउड किचन्स का, है ना, सेंट्रल किचन्स का. जैसे यहाँ पर एक थे सर्विस प्रोवाइडर्स, हम हैं, है ना, पहले ऐसे चलते थे, वो डिलीवर करते थे, वो 10-20-50 रुपए लेते थे. किसी भी रेस्टोरेंट से आप उनको कहिए कि ये लाकर दीजिए, वो लाकर देते थे. तो रेस्टोरेंट का बिल था 450, तो वो 50 रुपए अपने ऐड करके. ठीक है, बट उनकी जो सर्विसेज थी वो 11 बजे के बाद थी. एक टाइम आया जब हम हैं ने वो सर्विसेज 1 बजे तक करते. ठीक है, तो हमने कहा 1 बजे तक आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, रेस्टोरेंट सब बंद हो जाते हैं. तो वो कहते सर हमने अपनी क्लाउड किचन बना, हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं है बट हमने किचन बना, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन इतनी क्वारीज आती थी 11 बजे के बाद, हमने सोचा हम अपनी किचन बना लेते हैं, अच्छा फूड देंगे और वहां से लिमिटेड मेन्यू आप ऑर्डर कीजिए. आजकल क्लाउड किचन का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल पड़ा है जी. तो इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर क्लाउड किचन को एड ऑन किया है. ठीक है, तो क्लाउड किचन जो सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर भी 5% का जीएसटी देगा. मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. तो वो कहता है कि सर्कुलर में जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज हैं, तो रेस्टोरेंट का सर्विसेज इंक्लूड्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेस्टोरेंट, कैफे और द सिमिलर ईटिंग फैसिलिटीज, जिसमें चाहे टेक अवे हो, चाहे रूम सर्विस हो या डोर डिलीवरी ऑफ द फूड. आप टेक अवे आप आके ले गए, हमने आपको बैठ के खिलाया, दैट इज द रूम सर्विस, और आपके घर हम ही ड्रॉप करने आए, वगैरह वगैरह. इट इज क्लैरिफाइड दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कुकिंग और द सप्लाई ऑफ फूड बाय द क्लाउड किचन और द सेंट्रल किचन, वो रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर इंक्लूड. तो जो आप रेस्टोरेंट का प्रोविजन आपके मन में कॉम्पोजिशन में या कहीं पे भी, क्लाउड किचन पे हर जगह सेम प्रोविजन लग जाए. गॉट दिस? आइए जी.
ये एक स्कीम है जी, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटीज। इसके अंदर ना गवर्नमेंट ने कहा, कह रखा है कि आप इनको पढ़ाइए, अगर वो स्कॉलर हैं इनकी सारी फीस हम बेयर करेंगे, तो वो एग्जाम्प्ट है। फाइन जी, जहां पे वैसे ही द टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, हेंस इट इज एग्जाम फ्रॉम द जीएसटी। चलेंगे आगे। ये इंपॉर्टेंट है जी, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार स्टार मार्क कीजिए इसको। कॉम्पोजिशन स्कीम याद है आपको? कॉम्पोजिशन स्कीम एक ट्रेडर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए और एक रेस्टोरेंट वालों के लिए, ठीक है। अब ये एक और स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम्स लेकर आए हैं जी, फॉर द ब्रिक किल्न्स, ठीक है। जॉन से ईंट के भट्ठे बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो बड़ी सी चिमनी होती है उसके अंदर वो ईंटे लगाकर पकाते हैं उसको और फिर बेच देते हैं, ठीक है। सो उनके लिए ये लेकर आए हैं। सो ये नोटिफिकेशन है, पहली बात, ये सर्कुलर नहीं है। तो सर्कुलर्स आर कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट, नोटिफिकेशंस आर कंपैरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट, बट एवरी सर्कुलर इज अन इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, एवरी नोटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट ऐसा भी नहीं, ठीक है। कुछ नोटिफिकेशन बेकार। सो ये नोटिफिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट इज इम्पोर्टेंट। तो वो कहता है कि इट वॉज रिकमेंडेड जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, इट वॉज रिकमेंडेड कि इनके लिए एक स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम आनी चाहिए, तो इनके लिए स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम आई। तो वो कहता है कि नंबर 3 के बाद ये 4 पॉइंट अब और एड ऑन किए गए हैं, ठीक है। और ये चारों अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिक्स, टाइल्स और आजकल ना वो ब्लॉक्स भी चलते हैं, आजकल ब्रिक्स की जगह ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, जो फॉरेन में ज्यादा यूज होते थे, ऐसे वो शेलो होते हैं बट उसका फ्रेम बना होता है ऐसे। तो वो कहता है फ्लाई ऐश बॉक्स, जिसमें 90% फ्लाई ऐश ब्रिक्स और द फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ठीक है, जो मर्जी कहिए। सो ब्रिक्स, ब्रिक्स, टाइल्स, ठीक है। तो दैट इज अ कॉमन वर्ड जो आपको हर जगह हेल्प करेगा, और इनके लिए जो रेट आया है दैट इज 6+6%, ठीक है, 6+6%। अगर आप आईटीसी नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं देन इट इज 12+12%, ठीक है। सो ऑप्शन इज अप टू यू। मैं पढ़ देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एज पर द नोटिफिकेशन, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड द रूफ एंड टाइल्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स या फिर ब्रिक्स जो कि फॉसिल मील्स से बनती है, कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन, जिसमें आपको 6% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीजीएसटी है ना, तो 6% एसजीएसटी भी जुड़ेगा। तो वो आप मन में सोच लेना, 6+6। एंड दोज हु डू नॉट विश टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, उनको 12+12 देना पड़ेगा, लेकिन उनको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जी पेपर के लिए। चलेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 इज थर्डली क्रॉस्ड, इसमें सिर्फ रेट के बारे में बताया गया जी, आई एम क्रॉसिंग इट। उसके बाद 13 के ऊपर आ रहे हैं। 13 में एक अच्छा पॉइंट है, सुन लीजिए मेरे से, इतना आप सुन लेंगे तो वो बहुत होगा। वो कहता है कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडेशन चार्जेस लगाए गए, कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मैंने आपको बोला कि आपको ये मेरे को डिलीवर करना था, आपने मेरे को कुछ डिलीवर किया नहीं और मैंने आपको फिर फाइन लगा दिया 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए आपने मेरे को पे कर दिया, वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में कोई सप्लाई हुई नहीं, सप्लाई होनी चाहिए थी ना, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लिक्विडेटेड चार्जेस अगर कोई लगाए गए हैं तो उसके ऊपर वो कहता है कि जीएसटी नहीं लगे, ठीक है। सो सच पेमेंट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई एंड हेंस दे आर नॉट टैक्सेबल। शेल्विन, सो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जीएसटी इनके केसेस में नहीं लगेगा, अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट था और अगर किसी भी तरह के लिक्विडेटेड या फिर ब्रीच करने के चार्जेस अगर आपने पे किए हैं, तो क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कोई सप्लाई नहीं हुई। ये एक अच्छा सर्कुलर है जी, जिसके अंदर वो क्या कहता है कि ये ना क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है बेसिकली। लेट से मैंने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जीएसटी हमने एग्जम्प्ट कर रखा है या फिर रिड्यूस रेट पे 5% लगा रखा है, ताकि वो सस्ते हों और ज्यादा हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज पॉल्यूशन, फॉसिल्स और क्रूड सब कुछ उसमें यूज वगैरह नहीं होता है। ये बात समझ में आती है आपको? प्लीज अब ध्यान से सुनना। वो कहता है कि जी मैं अपनी फैक्ट्री से, ठीक है, एक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्पैच कर रहा हूं, लेकिन उसमें बैटरी नहीं अभी रखी, ठीक है। बैटरी क्या करता है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर वहीं पे रखेगा और फिर
बेच देगा, बेचते हुए हम उसमें बैटरी फिट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर कर देते हैं। अब वो कहता है कि अब जब मैं मैन्युफैक्चर क्या कर रहा हूँ, मैं थ्री व्हीलर बना रहा हूँ, टू व्हीलर बना रहा हूँ, फोर व्हीलर बना रहा हूँ, लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं है। वो कहता है बट इट विल बी टेकन एज कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, ठीक है, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट, लेकिन इसके अंदर सारे वो गुण आ चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले। बैटरी मिसिंग है वो हम समझते हैं, वो तो रख के हम इसे फिट करके बेचते। सो ये वही है इन द व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लेरिफाइड दैट द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, ठीक है, और इसके अंदर ना सोली वर्ड है। आजकल एक और कार्स आती है हाइब्रिड, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं 50% फ्यूल और 50% इलेक्ट्रिक, उनके ऊपर ये एग्जम्पशन नहीं लगेगी, ठीक है, सोली 100% इट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। इन दैट केस इवन इफ द बैटरी इज नॉट फिटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तब भी उसके ऊपर रेट 5% का लग जाए। चलो एक और केस लॉ है, सुन लीजिए, थोड़ा सा इजी है। यहां पर ना कोई एयरबस थे फ्रांस के, एयरबस फ्रांस, ठीक है, उनको हमने कोई सर्विसेज दी इंडिया से, टिकट्स वगैरह उनकी बुक कर दी, उनके लिए और भी काम वगैरह कर दिए, तो उस इंटरमीडिएरी को पकड़ लिया, एयरबस फाइनेंस को नहीं हमने पकड़ा, वो इंटरमीडिएरी को हमने पकड़ लिया कि भाई साहब आप इनके लिए 10 करोड़ की टिकटें बुक कर रहे हो, जिसमें से आपकी कमीशन 20 लाख है, उस 20 लाख में जीएसटी दे दो। तो वो भाई साहब कहते हैं कि सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, मैं तो सर्विसेज किसको दे रहा हूं, मेरा रेसिपिएंट कहां पे बैठा है, इंडिया के बाहर। तो हमने कहा सर आप इंटरमीडिएरी हो, इंटरमीडिएरी के केस में पीओएस वहां पे बनता है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर बैठा है, तो आप कहां पे बैठे हो, दिल्ली में। सो दैट केस पीओएस में इन्होंने जजमेंट दी कि आपका पीओएस इंडिया में ही बनता है, सो इन दैट केस ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, जीएसटी आपको देना क्योंकि इंटरमीडिएरी था, ठीक है, लायबल टू द 18%। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए जी, नेक्स्ट एक सर्कुलर है जी हमारे पास, ध्यान से सुनना, मेरे को नहीं पता आपको ये प्रोविजन याद है कि नहीं, बट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेबिट कार्ड्स को ओरिजिनल इनवॉइस से डीलिंक किया गया था, ठीक है, सुनिएगा क्या हम आपको बोलते हैं कि कोई भी इनवॉइस है तो उसमें जल्दी से जल्दी आप उसका आईटीसी कब ले सकते हैं, तब आते हैं 16-1 16-2, वो आपको बताते हैं ये सारी कंडीशन पूरी कर दीजिए आईटीसी ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता है लेट से लेट कब ले सकते हैं, तो वो कहता है कि जी साल खत्म होने के बाद आप सितंबर मंथ की जीएसटी आर थ्री जब भरेंगे या फिर अपनी एनुअल रिटर्न भरेंगे विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद नहीं आप क्लेम कर सकते, ये बात समझ में। अब सुनिए, इनवॉइस मेरा था 1 अप्रैल का, उसकी एनुअल रिटर्न चली गई, ठीक है, अब उसके बाद किसी ने मुझे डेबिट नोट इश्यू कर दिया कि सर वो बिल आपका गलत था, उसमें 20,000 रुपए कम लगाए थे हमने। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, उसने मेरे को 20,000 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लगा दिया, मैं उसका आईटीसी लेने लगा, तो सरकार की थी आईटीसी तो ले नहीं सकते क्योंकि डेट निकल गई, क्योंकि ये बिल कब का है, बिल कब का है, डेबिट नोट आज का है और मैं आज ही आईटीसी मांग रहा हूँ, लेकिन बिल कब का है, पिछले साल का, तो हम तो आईटीसी देंगे नहीं। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत गलत है, आपका जो डेबिट कार्ड अगर आ जाएगा तो मैं आज ही आपसे आईटीसी लूंगा ना, तो उन्होंने डीलिंक कर दिया था कि ओरिजिनल इनवॉइस की डेट नहीं जाएगी बल्कि डेबिट नोट की डेट देखी जाएगी, ये बात समझ, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अब सुनिएगा जी यहां पर वो क्लेरिफिकेशन क्या दे रहे हैं। अब वो कहता है कि सर ये नोटिफिकेशन आई 1/1/21, ठीक है, तो ये प्रोविजन बैकडेट वाले आईटीसी पे भी लग जाएगी या फ्यूचर वाले आईटीसी के ऊपर ही लगेगी, आप क्लैरिफाई करो कि ये कब से लगेगी और कैसे लगेगी, बहुत ध्यान से सुनना। डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि बैक डेट पे भी लग जाएगी, फ्यूचर में तो लगेगी लगेगी, हमने कहा अच्छा बैक डेट में भी लग जाएगी, तो कहता है बैक डेट में उन केसेस में लग जाएगी जिसका अभी तक आपने आईटीसी नहीं दिया, दे विल बी गवर्न्ड बाय द अमेंडेड प्रोविजन, लेकिन अगर आप किसी इनवॉइस का आईटीसी पहले ही ले चुके हो फिर पुरानी प्रोविजन, सी इट विल डिपेंड अपॉन द आईटीसी, आईटीसी लिया कि नहीं लिया, अगर बैक डेट का है तो, अगर आईटीसी नहीं लिया तो अभी भी न्यू प्रोविजन के हिसाब से आप ले, सुनो। तो वो कहता है कि
यहां से पढ़ेंगे जी, अकॉर्डिंगली फॉर द अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी आफ्टर 1/1/2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेबिट नोट्स, चाहे वो पहले के थे चाहे बाद के थे, आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। अगर आपने उसका आईटीसी नहीं लिया, सो दैट इज अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है? लेकिन अगर आप आईटीसी ऑलरेडी ले चुके हो, देन यू विल बी गवर्न्ड विद द ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, 1/1/21 को ये प्रोविजन आई थी, बट पुरानी बैक डेट पे भी लग जाएगी, लेकिन अगर आपने उसका आईटीसी अभी तक नहीं लिया तो। केस लॉ है, सुनिएगा। एक सात 17 को जीएसटी इंडिया के अंदर लगा, ठीक है, और तब हमने ये बात बोली कि अगर आपका कोई आईटीसी है किसका, वैट का, तो वो आप एसजीएसटी में एडजस्ट करवा लो। आपका कोई आईटीसी है एक्साइज ड्यूटी का, वो आप सीजीएसटी में ले लो, फॉर्म लो, बिल दो और वगैरह। देखिए क्या, ये वही फॉर्म भर रहे थे, ट्रांस 1, दैट इज ट्रांसफर 1, पुरानी स्कीम से न्यू स्कीम में मैं अपना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने ये ट्रांस 1 भरा, लेकिन जो वैल्यू 7D में भरनी थी, 7A में भरती थी, इन्होंने गलती से 7D में भरती, और डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया इनका आईटीसी। कितने का? 4,85,684 रुपये का। सिर्फ इतनी सी बात थी, कॉलम गलत चूज कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी मैम ऐसे नहीं करेंगे, आईटीसी मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज उसका उसने कॉलम गलत चूज कर लिया, इतने में आप उसका आईटीसी नहीं डिसअवे कर सकते, आईटीसी मिल गया चाहिए उसको, उसके फेवर में नहीं, मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये तो एक टेक्निकल एरर है ना। देखिए एपेलेंट ने भी यही पॉइंट किया कि जो मिस्टेक थी ये प्योरली अनइंटेंशनल थी जी, इनएडवर्टेंट थी, जान के नहीं किया, सो इन दैट केस उनको आईटीसी मिल। आगे आएंगे, ये केस लॉ हमने नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आप पहले जीएसटी पे कर दो, रिफंड उसके बाद, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए क्या हुआ, आपने मेरे को इनवॉइस इश्यू किया, वो क्रेडिट के ऊपर है, ठीक है, मैंने उसका आईटीसी अवेल भी कर लिया, और मैंने कहा सर मेरी तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, मेरे पास आईटीसी इतना इकट्ठा हो गया, मैं रिफंड के लिए कैश मांगने चला गया। गवर्नमेंट कहती पहले आप तो पे कर दो, ठीक है, आप पहले पे कर दो, देन ओनली आफ्टरवर्ड्स हम ये प्रोसेस इशू करेंगे। सो अच्छी जजमेंट आई जी, जब तक आप पे ही नहीं करेंगे, तो वो कहता है कि मेरी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, वो कहता है कि नहीं आपको पहले पे करना पड़ेगा, आफ्टर पेइंग द जीएसटी ऑन द इनपुट सर, जब तक वो पे ही नहीं किया, वो क्रेडिट में पैसे खड़े हैं, सो इन दैट केस आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर, रिफंड क्लेम नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 2 क्रॉस कर दें जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, तो वो कहता है कि रिकवरी ऑफ द पेनल्टी बाय सेल ऑफ गुड्स और द कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट। हमने कोई रास्ते में गुड्स पकड़ लिए, वो गलत तरीके से लेके जा रहा था, इनवॉइस नहीं था, अंडर पेड थे, अंडर वैल्यूड थे, कुछ भी चोरी वगैरह कर रहा था, हमने पकड़ लिया, और कन्वेंस भी पकड़ लिया, ट्रक को भी साथ में अंदर कर लिया। अब हमने बोला कि भाई साहब आपके ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी हमने लगाई, पेनल्टी वो कहता मैं पे नहीं करूंगा, हमने कहा कि ठीक है रिकवर करना हमें आता है, सो इन दैट केस वो कहता है कि जी गुड्स वगैरह सारे उसके बेच देंगे हम, सो वो कहता है कि अगर वो अमाउंट जो पेनल्टी हमने आपको लगाई है सेक्शन 129 के अंदर 15 दिनों के अंदर अंदर पे नहीं करता है, देन द पीओ शैल प्रोसीड फॉर द सेल, ठीक है, और द डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड द कन्वेंस, कन्वेंस भी बेच दें, बस आप अपनी पेनल्टी पूरी करो। और वो कहता है कि लेकिन पहले आप इन्वेंट्री बना दें, बाद में वो ये ना डिस्प्यूट करे कि सर मेरा तो 10 टन माल, 2 टन था ना, तो पहले उसकी फोटो वगैरह भी ले लो और इन्वेंट्री ना लो कि कितनी कितनी क्वालिटी के कितने कितने गुड्स हैं, एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू और ऑफ द गुड्स एंड द कन्वेंस, एक प्रॉपर इन्वेंट्री बना लो, गुड्स लिखो उसके आगे वैल्यू लिखो और फिर उनको बेच। अब वो कहता है कि जी अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं, सब्जियां तो 15 दिन तक बचेंगी नहीं, तो वो कहता है फिर आप 15 दिन को फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप पहले भी बेच सकते हो, पीओ की मर्जी चलेगी, या फिर वो हजार्डियस नेचर के, ठीक है, कोई केमिकल। अब वो कहता है कि जी ऑप्शन करवा दो, वो कहता है हाँ ऑप्शन करवा दो, ई ऑप्शन करवा दो, कुछ भी करवा दो, जैसे मर्जी बेच दो। समझ में आया आपको यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं चल। और फिर वो कहता है कि जी
जो भी पैसे रिकवर होंगे सबसे पहले वो कहता है कि जी आप अपने एक्सपेंसेस फॉर द सेफ कस्टडी और वो सब आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। यस यस प्रॉपर प्रोसीजर इसमें बताया हुआ है, मे बी जस्ट बिकॉज अमेंडमेंट्स में, ठीक है, इसीलिए शायद वो डाल दें कि जी बच्चा अपडेटेड है कि नहीं, एल्स अगर ये रूटीन बुक में होता या फिर कमिंग अटेम्प्ट में आई विल नॉट बी टीचिंग दिस, ठीक है, प्रोसीजर्स आर नोन। और फिर वो कहता है कि जो ऑप्शन की जो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन है वो 15 दिन से पहले नहीं होनी चाहिए, मतलब जो ऑप्शन है वो ऐसे नहीं कि 15 मिनट के लिए खुली और बंद होगी, इट शुड लास्ट फॉर फ्यू डेज, तो वो 15 दिन तक वो ओपन रहना चाहिए। अब हमने कहा सर हजार्डियस नेचर के गुड्स हैं, कहता अच्छा अच्छा फिर 15 से आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जी आप सबसे ना प्री बिल्ड डिपॉजिट ले, ऑक्शन में ना ऐसे कोई जना खना ना आ जाए, ठीक है, सबको आप बोलो 5-5% आपको पहले ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, 1 करोड़ के ऑक्शन है 5-5 लाख रुपए, जिन्होंने ऑक्शन की लेकिन उनको मिला ही नहीं उन सबको वापस कर दो पूरे पूरे 5 लाख, बट जिसकी ऑक्शन की बिड सक्सेसफुल हुई मतलब जो हाईएस्ट बिडर था जिसको हमने कहा कि सोल्ड, उसके 5 लाख रुपए आप जब्त कर लो, ताकि अगर वो बाकी 95 लाख ना दे तो उसके 5 लाख तो हम कम से कम एटलीस्ट वो कर दे, क्योंकि सक्सेसफुल बिडर अगर बैलेंस पेमेंट नहीं करता तो उसके आप जब्त कर लेना, बाकी सब क्या आप वापस कर दे। और जो सक्सेसफुल बिडर है कहता है कि आप उसे 15 दिन की मोहलत दे सकते हैं कि 15 दिनों में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगेन गुड्स पेरिशेबल या हजार्डियस है तो 15 दिन कम भी किए जा सकते हैं। और फिर वो कहता है कि जी आप उसके बाद उसे पोजेशन और ऑनरशिप दे दीजिए और सर्टिफिकेट आप इशू कर दीजिए, लेकिन अगर कोई बिड आई नहीं, ठीक है, वो गुड्स ऐसे थे कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं उसमें, तो वो कहता है कि जी फिर आप दोबारा से, या फिर बहुत कम बिड्स या नॉन कॉम्पिटेटिव था ऑक्शन अच्छी नहीं गई तो आप दोबारा से भी करवा सकते हैं। पीओ का डिसीजन है ना, पीओ हाँ, अगर उसको लगता है कि जितना वैल्यू है उतना मिल रहा है तो ही बेचेगा, नहीं मिल रहा तो। अब वो कहता है कि जी हो गई बिड, ठीक है, 1 करोड़ के बिक गए गुड्स, अब वो 1 करोड़ का क्या करोगे, ठीक है, तो वो कहता है कि जी सीक्वेंस है हमारे पास, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो ऑक्शन बेड जितना भी उसका एडमिन का खर्चा आया सबसे पहले तो वो रिकवर होता है। नंबर 2 कहता है वो जो पेनल्टी नहीं ना दी थी जिसके लिए हम ये इसके गुड्स ऑक्शन करवाए थे तो वो पेनल्टी के लिए अप्रोप्रिएट किए जाते हैं। फिर वो कहता है कि जी आप पैसे आई हैं तो देख लो इसका खाता खोल के, से कोई पुराने रुपए तो नहीं लेने वाले खड़े, एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर वो भी ले लो अब लगे हाथ। फिर हमने कहा कि सर वो भी ले लिए, अब वो कहता है कि अब तो दे दो जो बचा है, तो वो कहता है कि जी दे दो और उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल दो, देखो कितने नलायक है कि अभी भी उसे कैश नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमारे पास जमा हो गए आपके, ठीक है, फ्यूचर में एडजस्ट कर लेना। और वो कहता है कि सर मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ और मेरे को रजिस्ट्रेशन करवानी नहीं, कहता है कि अच्छा फिर तो बड़ी सैड बात है, बताओ अपना बैंक अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं। गॉड ब्लेस। और अगर वो पर्सन हमें मिल ही नहीं रहा बैंक में भी नहीं डाल सकते तो वो कहता है कि हमारे पास वो फंड है ना कंज्यूमर वेलफेयर फंड उसमें, ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीड्स, ठीक है, व्हिच आई हैव कवर्ड। ओके अह ये प्रोसीजर बताया है जी इन्होंने, वो कहता है कि अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास अनयूटिलाइज आईटीसी है तो आप उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वो उसने बताया कि आप RFD 01 में ना एनी अदर कैटेगरी में फॉर्म भर के अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और सारी जो स्टेटमेंट है कब कब कितनी इलेक्ट्रिसिटी गई, कितनी एनर्जी आपने एक्सपोर्ट की, किस डेट को की, उसकी PDF आप अटैच कर, प्रोसीजरल, ठीक है, वेस्ट ये फॉर्मल यही एक्सपोर्ट वाला टर्नओवर ऑफ द एक्सपोर्ट और प्रोपोर्शनेट आईटीसी देंगे ना आपको रिफंड, तो वही वाला फॉर्मूला लिख दिया कि मैक्सिमम। यस चलें, ओके, फाइन जी। ई इनवॉइस याद है आपको, सो जिनकी टर्नओवर, है ना, टू मच टू एक्सपेक्ट आपसे, मैं बता देता हूँ जी, 50 करोड़ पुरानी प्रोविजन थी जो आपकी बुक में है अमेंडेड, दैट इज 20 करोड़ उसको किया गया, और उसमें भी अमेंडमेंट आ गई जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, और अब 10 करोड़ वो अमेंडमेंट अभी आ गया है कि मैं स्टार मार्केट क्या को, ठीक है। और जिनकी टर्नओवर पहले सी इन ई इनवॉइसिंग का बहुत रश ना पड़ जाए तो इन्होंने पहले 50 से स्टार्ट किया, और 50
हमने पूछा सर कौन सा साल, वो बोलते थे एनी ईयर, एक साल 2017 से लेकर करंट डेट तक किसी भी साल अगर आप 50 क्रॉस कर गए तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग लग जाए। फिर उन्होंने 50 को सब्स्टिट्यूट किया 20 से, अब उसे कर दिया 10। तो अब ये फेजेस के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं जैसे उनके सिस्टम बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सेसे की किसी भी साल में टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करती थी तो उसे B2C और सब इनवॉइसेस के लिए, तो उसमें वो कहता है कि सर ये प्लीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज दे आर आउटसाइड द कॉल, उनके ऊपर आप इनवॉइस नहीं करेंगे, वो इतने इतनो फ्रेंडली नहीं है ना, वो तो आदमी हाथ से ही पर्ची काट के बाजी है, वो वैसे ही करेंगे। और अब हमारे पास है जी 5th अमेंडमेंट्स, ठीक है, और इसमें से जौन सी अमेंडमेंट्स करवाने वाली, कोई भी करवाने वाली है। ओके, ये सुनिएगा जी, थोड़ी अजीबोगरीब है बट ध्यान से सुनिएगा। डायनामिक क्यूआर कोड हमने देना है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड करती है, ठीक है, सो इन दैट केस आपको डायनामिक क्यूआर कोड देना होता है ओनली फॉर योर B2C इनवॉइस, ठीक है। B2B तो वैसे बड़े कम होते हैं, तो अभी आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज है भारत पेट्रोलियम, बेस्ट प्राइस, मेट्रो, ठीक है, जिनके टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, तो इनकी जब भी B2C बिलिंग होगी तो इनको QR कोड देना मैंडेट, ठीक है, इनवॉइस के। ये बात समझ में आती है आप? इन्होंने क्या बोला सर्कुलर में, क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, कहता है कि ये UIN है हमारे पास, ये अगर आपको सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन के अंदर लास्ट में मैंने आपको बोला था जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड, ठीक है, जो एम्बेसीज है, UN काउंसिल्स, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनको हम बोलते हैं कि आप UIN नंबर लेंगे। तो वो कहता है कि जो UIN नंबर है ना, इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 2 क्लॉज 9। जबकि रजिस्ट्रेशन के सेक्शन की रेफरेंस दे रहे हैं वो 25(9), दैट इज सेक्शन 25 इज द रजिस्ट्रेशन। तो वो कहता है कि जी 294 के हिसाब से वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा है जिनके पास GSTN नंबर, तो इनके पास तो UIN नंबर है। तो वो कहता है कि जी इसका मतलब इनको जब आप इनवॉइस इश्यू करोगे तो उसमें भी डायनामिक क्यूआर कोड, क्योंकि B2C। वैसे वो UIN नंबर होल्डर्स हैं, लेकिन वो कहता है कि उनके इनवॉइस के ऊपर डायनामिक QR कोड या QR कोड आपको देना जरूरी है। गॉट दिस? क्या कंफ्यूजन है? वेरी प्लेन एंड सिंपल। उन्होंने बोला कि 294 के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है UIN नहीं है, ठीक है, हेंस दे आर कंसीडर्ड एज, जब उनको मैं बिल करूंगा तो वो B2B में नहीं जाएंगे, वो B2C में जाएंगे, तो डायनामिक QR कोड की प्रोविजन उनके ऊपर लग जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, कैन बी चैलेंज्ड, कैन बी चैलेंज्ड। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसकी मैरिट्स के ऊपर नहीं डिबेट करेंगे, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द सर्कुलर विच हैज बीन इशू। तो गवर्नमेंट ने सब क्लैरिफाई किया कि इसे B2C माना जाए। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दीजिए हमारे पास, जिसके अंदर एनुअल रिटर्न के अंदर ना 9 और 9C जाती थी, तो 9C उन्होंने बोला कि अगर आपके टर्न ओवर 5 करोड़ तक है तो आपको नहीं, सिर्फ 9 लाख, ठीक है। इसमें दो अमेंडमेंट थी, दोनों आपको दोबारा से रिकॉल कर, 9C 5 करोड़ के नीचे नहीं भरनी है, और 9C इसका मतलब 5 करोड़ से बड़े लोगों को भरनी है, लेकिन पहले 9C के ऊपर CA ऑडिट या CA सर्टिफिकेशन मैंडेट थी, अब उन्होंने कहा सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो ये दो अमेंडमेंट्स, पहली बात 5 करोड़ से छोटे लोगों को 9C नहीं भरनी, सिर्फ 9 भरनी, 5 करोड़ से ऊपर वाले लोगों को 9 भी भरनी और 9C भी भरनी। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 9C के अंदर, 9C के अंदर उन्होंने कहा पहले CA की सर्टिफिकेशन लगती थी, अब वो कहता आप सेल्फ सर्टिफाई कर दोगे तो चल देगा, चाहे आपकी टर्न ओवर 200 करोड़, ठीक है, CA सर्टिफिकेशन हटा ही दीजिए उन्होंने 9C से। तो ये दो अमेंडमेंट्स हैं, एक मैंने पढ़ा दी, दूसरी मैंने आपको समझा, और सुन लीजिए ये भी, अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा अमेंडमेंट्स का। EVC से आप रिटर्न भर सकते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि जेन्युइन बंदे नहीं भरी है, मेरी रिटर्न कोई और नहीं भर के बैठ गया, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता था। लेकिन फॉर द कॉर्पोरेट्स उन्होंने कहा कि EVC नहीं चलेगा, वहां पे DSE लगाने पड़ेंगे ऑथराइज सिग्नेचर के,
ये बात समझ में। फिर आया जी कोविड, ठीक है। कोविड में हमने कहा सर डीएससी क्लाइंट के पास है, क्लाइंट हमें देता नहीं और कोविड है, मिलने को सरकार ने मना कर रखा है, बताओ। तो उन्होंने कहा कॉर्पोरेट्स की रिटर्न भी ईबीसी से ज्यादा कोविड पीरियड के अंदर। दैट पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड 27 अप्रैल 21 से उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया। एज ऑन डेट वो नहीं जा रही थी ईबीसी से, नहीं जा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो डीएससी से रिटर्न जाती थी वो पहले ईबीसी से चली जाया करती थी, किसकी, कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स। तो वो कहता है कि जी वो एक्सटेंड कर दिया गया ईबीसी से, जो आप रिटर्न भर सकते थे दैट हैज बीन एक्सटेंडेड 31 अगस्त से उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर, ठीक है। पुरानी सिर्फ डेट एक्सटेंड, यस पर यस। ओके सुनिएगा जी, कैसे कैसे क्वेश्चंस गवर्नमेंट के पास आते हैं, आप भी सोचें, मतलब कि लॉ मेकर को कितनी डेप्थ में और कितनी इतना वास्ट विजन रख के लॉ बनाना पड़ता होगा, ठीक है। एक भाई साहब कहते हैं कि सर मेरा एक्सपोर्ट का बिल है, ठीक है, लेकिन उसका पीओएस इंडिया में ही बन रहा है। जैसे वो आया था ना अभी, वो एयरबस वाला इंटरमीडिएटरी, वो कहता है सर बिल तो मैंने किसको रेज करना है, 20 लाख रुपए का, फ्रांस के एयरबस को, और आपने पीओएस इंडिया में ही बना दिया तो उस पर अब जीएसटी लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 20 लाख प्लस जीएसटी का उसको बिल दूंगा क्योंकि आपने जीएसटी लगा दिया। मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट थी लेकिन रेसिपिएंट इज आउटसाइड, ये बात समझ में। अब वो कहता है कि सर ये बिल B2B है कि B2C, ऑब्वियसली B2C क्योंकि वो फ्रांस एयरबस बस के पास जीएसटीएन नंबर तो इंडिया का होगा नहीं, तो वो कहता है कि है भी नहीं, तो वो कहता है कि सर B2C। अब वो कहता है सर B2C पे डायनामिक QR कोड लगाऊं, ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं, इस केस में लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो फ्रांस वाले के पास तो इंडिया का अकाउंट होगा नहीं कि वो उसके स्कैन करके गूगल पे कर दिया, ठीक है। तो हमने कहा इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, मतलब अगर रेसिपिएंट, वेयर द इनवॉइस इज इश्यू टू अ रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेस, ठीक है, बट उसका पीओएस इंडिया में बन रहा था और उसके ऊपर जीएसटी आईजीएसटी आपने कलेक्ट करना है, तो वहां पे सच डायनामिक क्यूआर कोड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द रेसिपिएंट, हेंस इट इज नॉट। सुनिएगा जी, वो कहते हैं कि सर रिफंड के अंदर ना सेक्शन 54 में आपने बोला कि टाइम पीरियड लेट से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो कहता है कि सर रिफंड ना दो है, एक क्रेडिट एक्स्ट्रा हो गया क्रेडिट लेजर में और एक कैश लेजर में जो मैंने ही जमा करा। तो वो कहता है कि जो 54 है वो किसके लिए है, क्या दोनों के लिए, वो कहता है वो सिर्फ क्रेडिट के लिए, मतलब वो टाइम लिमिट कैश लेजर के ऊपर नहीं है, कहता कि नहीं। अब वो कहता है 54 में ना आप ये भी बोलते हो जब सारा काम हो गया था, जिस दिन हम सूट बूट पहन के लिशक के नई गाड़ी लेके वहां पे लेने गए रिफंड, तो आपने हमारे सामने वो पैसे कहाँ पे डाल दिए, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर, और बोला अनजस्ट एनरिचमेंट, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हम आपको क्यों देंगे, है ना, और इतना मूड ऑफ हुआ हमारा। तो वो कहता है कि सर फिर मैं अगली बार ही आया आपको ये प्रूव करने कि इंसिडेंस वाज नॉट पास्ड, इंसिडेंस मेरे ऊपर ही था, फिर आपने मुझे दिया था। तो वो कहता है कैश लेजर का रिफंड लेते हुए भी वो इंसिडेंस दिखाना पड़ेगा, कहता है नहीं उसमें नहीं दिखाना पड़ेगा, वो तो आप ही ने जमा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। नंबर 1 कहता है कि आपने टाइम पीरियड बताया था जब मुझे कैश लेजर से एक्सेस बैलेंस इन द कैश लेजर का रिफंड लेना हो तो उसके ऊपर क्या ये एप्लीकेबल होगा, तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेबल नहीं। फिर वो कहता है आप मेरे से सर्टिफिकेशन और डेक्लरेशन मांगते थे जो कि था कि मैंने इंसिडेंस आगे पास ऑन नहीं किया, वो भी देना पड़ेगा, वो कहता है कि जी कैश लेजर में नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट क्लॉज नहीं लगा। ये देखिए जी, गवर्नमेंट को हमने बोला कि जी आप एनुअल रिटर्न अपनी भरो टाइम पे, है ना, टाइम याद है किसी को, साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक भरनी रहती है, 9 मंथ्स का टाइम आपको मिलता है, याद है, नहीं याद, चलो कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि डिपार्टमेंट कब तक भरेगा, वो कहता है ये प्रोविजन जो एनुअल रिटर्न वाली सारी आप हमें बता रही हो ना, ये डिपार्टमेंट्स के ऊपर नहीं लगती, कौन से डिपार्टमेंट, जिनका ऑडिट कैग करता है। अब कैग इज वेरी बिजी, अब कैग में ऑडिट यू आफ्टर 15 मंथ्स, तो वो कहता है 9 मंथ्स में हम ऑडिट रिटर्न कैसे भरते हैं जब तक कैग नहीं हुई फाइनल की। तो कहता है ठीक है आप गवर्नमेंट जो मर्जी करो, आपने वैसे भी अपनी मनमानी करनी है। चलिए आगे,
फिर है जी हमारे पास नाइन्थ अमेंडमेंट रूल्स, ये स्टेप है। इसमें मैं ये बता देता हूँ आपको, ये था जी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। जीएसटी आने पे ना जने खने ने रेट बढ़ाए 20-20%, 30-30%। हमने कहा कि भाई साहब इतने रेट क्यों बढ़ा रही हो, गया सर पीछे से ही महंगा हो गया, जीएसटी लग गया, आपको पता ही है ठीक है। जिसका नहीं भी महंगा हुआ था उसने भी रेट बढ़ा दिए। सो गवर्नमेंट ने ये बनाई थी जी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। इसमें सबवे और डोमिनोज का केस लगा ठीक है, डोमिनोज का केस लगा और उनको बड़े ह्यूज फाइन और वो लगाई गई कि उन्होंने पैसे बढ़ा दिए जीएसटी के नाम पे, एक्चुअली उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई। तो ये एंटी प्रॉफिटियरिंग को ना 4 साल के लिए बनाया गया था, तो उसे अब एग्जिस्टिंग 5 साल कर दिया गया कि अभी और 1 साल ये काम कर लें ठीक है। अब जरूरत नहीं है, इतना पुराना है ना, बट स्टिल उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया बाय 1। और ये देखिए जी बाकी वो कहता है कुछ जीएसटी DRC 03 के अंदर हमने चेंजेस किए हैं फॉर्म के अंदर, कॉलम कॉलम्स ये एक पॉइंट आया है। नोटिफिकेशन है जी जिसमें वो कहता है कि जीएसटी रिफंड लेना है तो फिर आधार ऑथेंटिकेशन होनी ही चाहिए, नहीं तो हम आपका जीएसटी रिफंड नहीं देंगे। इट इज अ नोटिफिकेशन सो इट मेक इट इम्पॉर्टेंट। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले वो कहते थे कि 2B में ठीक है, मतलब 2B में परचेजेस आती थी जितनी आ रही है आप उसका 120% रिफंड सॉरी ITC क्लेम कर सकते हैं। फिर वो कम होके 110 हुआ, फिर वो 105 हुआ, और अब जितना 2B में है बस उतना ही ITC क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते उसी से चले ठीक है। सो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा कि आप ज्यादा नहीं ले सकते। पहले ना हम बोलते थे कि सर उसने बिल ही नहीं चढ़ाया हम क्या करें, तो गवर्नमेंट ने Day 1 को जब जीएसटी आया था उन्होंने कहा जितना मर्जी क्लेम करो, जितना आप बोलोगे ना हम उतना दे देंगे। लोगों के पास 10 लाख के बिल, उन्होंने 40-40 लाख रुपए का ITC क्लेम कर दिया कि गवर्नमेंट को फ्री में बांट रही है ठीक है। गवर्नमेंट को बाद में समझ में आया, तो गवर्नमेंट कहती है जितना आपका 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 120%, सारे थोड़ी ना भूल गए ठीक है। तो 100 ने चढ़ा दिया, 20% लोग भूल गए, तो फिर 120%। फिर उन्होंने कहा कि 20% में भी लोग बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं, उन्होंने किया 10 और अब है 100%, जितना 2B में बोलेगा बस उतना ही ले सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ नीचे हो सकता है ऊपर कुछ ठीक है नीचे हो सकता। ये एक बेकार सा पॉइंट था जी, मैंने थर्डली क्रॉस करवा दिया। इको के थ्रू अगर आप रिटर्न भरते हैं तो वो कहता है दोनों को दिखानी पड़ेगी, इको भी अपनी रिटर्न में दिखाएगा और रेस्टोरेंट और रजिस्टर्ड पर्सन भी अपनी रिटर्न में दिखाएगा कि इतनी सर्विसेज मैंने इको के थ्रू दी, और इको भी बताएगा कि इन भाई साहब ने इतनी सर्विसेज मेरे थ्रू दी, हम क्रॉस चेक कर, ये मैंने क्रॉस करवा चाहिए नहीं करना। ये जी सेल्फ बूस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अब हमने देखो क्या किया GST 3B में नया फीचर लेकर आए इंटरेस्ट कैलकुलेट ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट हम ही कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी रिटर्न्स भर रहा था सो उनके अंदर मेरे को ही डालना पड़ता था ठीक है, जैसे 18% और 24% लगता था तो उस हिसाब से 1.5% के हिसाब से, 24 वाला तो कोई केस है ही नहीं, 18 वाला। सो अब इन्होंने कहा कि जी अब हमने वो ऑटो पॉपुलेट होगा ये इंटरेस्ट की फिगर, आप सिर्फ वैल्यूज डालें इंटरेस्ट हम। ये पहले आपको पुरानी अमेंडमेंट बता रहा है, वो कहता है कि जी 50 करोड़ के ऊपर पहले ई इनवॉइसिंग थी वो अब 20 करोड़ कर दी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 24 फरवरी 2022 ठीक है। 17-18 से लेकर 21-22 तक किसी भी साल एनी ऑफ द प्रीवियस में अगर आपकी टर्न ओवर हो जाती थी तो हम आपको पकड़ लेते थे फॉर द पर्पज ऑफ ई इनवॉइसिंग। चलो सर अभी आ जाए, ये एक और है जी सुन लीजिए क्या है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन याद है आपको, डीम डिस्टिंक्ट एंटिटीज ऑफ द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि मेरी एक यूनिट है जी लुधियाना में और एक है जम्मू में ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में उनका तो डिस्टिंक्ट होगा ही होगा, और अगर सेम स्टेट में और मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखी है तो भी उनको डीम डिस्टिंक्ट माना जाए। अब क्या हुआ, एक तरफ ना मेरे पास कैश लेजर में बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे, हुआ क्या लेटर से मैं 50,000 लिख रहा था, फ्लो फ्लो में 1 0 ज्यादा डल गया और 5 लाख जमा हो, और लुधियाना ब्रांच में 5 लाख हो गए। अब मेरे को 50,000 उधर जमा करवाने हैं लेटर से चंडीगढ़ में, तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि सर इसी से ट्रांसफर कर दूं, रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम है ठीक है, सो इन दैट सर पैन नंबर तो सेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दो दे रखे हैं बट वो दोनों सेम एंटिटी को बिलोंग करते हैं, कंपनी मेरी एक ही है उसकी दो ब्रांचेस हैं और दोनों के अलग अलग जीएसटी नंबर है, तो कैश लेजर का बैलेंस एक से दूसरे को ट्रांसफर कर दूं, तो वो कहते हैं कि आप ट्रांसफर कोई भी अमाउंट कर सकते हैं
ये दो है जी, एक मेजर हेड और एक माइनर हेड होता है। तो वो कहते हैं माइनर हेड कोई भी हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, वो आपका दूसरे में चल जाएगा, टू द इलेक्ट्रॉनिक, दूसरे की कैश लेजर में चल जाएगा, जो आप ही का डिस्टिंक्ट पर्सन, आप ही का डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन वो कहता है कि सर प्लीज मिस यूज नहीं कर, अगर मिस यूज करते हुए पकड़े गए तो 24% का ब्याज। ठीक है, लॉ किया जी, रिलैक्सेशन दी है कि आप अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर एक के कैश लेजर का बैलेंस दूसरे में यूज कर सकते। ओके, इसमें वो कहता है कि जी आप 3B में जरूर बताइए कि आपका टोटल ब्लॉक्ड क्रेडिट कितना है, जिसका ITC नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया B2C, वो तो आप बताएं। फिर वो कहता है कि सामने वाला पर्सन किसमें देता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले का तो ITC से कुछ लेना देना नहीं, वो भी आप हमें बताइए। ये एक केस याद है आपको जिसमें सुनिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें जो पहले एग्जांपल दी थी वही दे रहा हूं, आपकी सरकार दिल्ली सरकार, ठीक है, पंजाब में एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है, और पंजाब के ही एडवर्टाइजर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरे को बोला कि जी हमने पंजाब में ऐड करनी है 5 करोड़ रुपए प्लस GST, ठीक है। तो इन दिस केस मैंने POS कहाँ पे बनाया, लुधियाना के अंदर ही, क्योंकि मैं सर्विसेज यहाँ पे दे रहा हूँ और मैं भी यहाँ पे हूँ, तो मैंने उसे इंटरेस्ट रेट कह के CGST और SGST लगा दिया। लेकिन मैंने SGST कौन सा लगाया, पंजाब, क्योंकि मैं दिल्ली SGST कैसे लगाऊंगा, है ना। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को CGST का तो क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जो पंजाब SGST है उसका उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो कहता है कि ये तीन चीजें आप हमें बताना, अगर आपने अनरजिस्टर्ड को किसी को दिया है, दूसरा आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को दिया है, तीसरा आपने एक ऐसे रेसिपिएंट को दिया है जो आपकी स्टेट का नहीं था, लेकिन वो इंट्रा स्टेट बन गई क्योंकि उसका POS आप ही की स्टेट में बन गया, तो उसे आधे का मिलेगा आधे का नहीं मिलेगा, तो ये आप हमें बता देंगे तो हमें सामने वाले के रिवर्स करवाने इजी हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसको मिलने नहीं थे, आपने हमें बताया नहीं और वो ले गया। ठीक है, सो आप अपनी रिटर्न में हमें ये ब्लॉक्ड क्रेडिट्स प्लीज बताएं। तो कहते हैं मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ द करेक्ट एंड द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटर स्टेट सप्लाईज एंड द अमाउंट ऑफ द इनएलिजिबल और द ब्लॉक्ड ITC, और ताकि हम उसका रिवर्सल करवा सके। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आजकल कुछ लोग ना सिर्फ बिल ले लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल में सर्विसेज नहीं लेते, सिर्फ GST के ऊपर ही, ठीक है, जैसे पता नहीं मेरे को कहना चाहिए कि नहीं, लोहे वाले जॉन से थे, ठीक है, वो कहते हैं कि सर लोहे में हमारा मार्जिन ना 1-2-3% का था GST आने से पहले, GST आ गया अब उसके ऊपर 12 या 18%, कहते हैं सर GST में ही हम 7-8% कमा रहे हैं बिलिंग के अंदर, तो वो कहते हैं कि सर लोहा शॉप पे ही पड़ा है, बिलिंग कर करके हमने इतने पैसे कमा लिए, ठीक है। सो दैट इज अ फेक इनवॉइस, जिसमें एक्चुअल में डिलीवर नहीं हुआ, बट आपने बिलिंग कर दी, परचेज की ले ली और आगे सेल कर दी, ठीक है। सो कहता है कि जी इन दिस सर्कुलर CBIC हैज मेड द क्लेरिफिकेशन ऑन द वेरियस इश्यूज व्हिच वर रजिस्टर्ड एंड फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड ऑफ फेक टैक्स इनवॉइस, और फिर ITC उसका वेल और यूटिलाइजर फ्रॉडुलेंटली कर रहे थे। इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक्चुअल में तो सप्लाई हुई नहीं, सिर्फ बिल है, और इसमें ITC नहीं मिलेगा, और दोनों लोगों को पकड़ के, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों को पकड़ के पिनल एक्शन लगाएंगे 122 के, जो पकड़ा गया, ठीक है। ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है, ऑब्वियस सा पॉइंट है, सुन लीजिए। डीम्ड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट याद है, DTA से SEZ में अगर आप कोई मटेरियल सप्लाई कर देते हैं तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि SEZ को हम मन में ऐसे ज्यूम करते हैं कि वो इंडिया के बाहर की कोई जगह है, जबकि वो है इंडिया की। ये बात क्लियर हुई आप? तो मैंने ना SEZ में लेटर से आपको दिया, आई एम इन द DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और आप SEZ के अंदर है, 100% EOU है, मैंने आपको कुछ दिया, तो सरकार को मैंने कहा कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। अब एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं,
या फिर तो एक था अंडरटेकिंग आप दे दीजिए, LOU दे दीजिए कि जी मैं इसके ऊपर जमा नहीं करवा रहा, या फिर आप एक बार ये पे कर दीजिए और फिर बाद में रिफंड हो जाता है। अब मैंने एक बार ही पे कर दिया और बाद में जब रिफंड के लिए अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी दो दो बंदों को रिफंड नहीं देंगे। मैं कहा दो बंदे? कहता एक आप हो गए जो रिफंड मांग रहे हो, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या क्या, एक वो एक्सपोर्टर है वो भी मेरे से रिफंड मांगते हैं जो SEZ के अंदर बैठा है, क्योंकि प्योर एक्सपोर्टर, मैं फेक एक्सपोर्टर हूँ या सेमी हूँ, क्वासी हूँ, ठीक है, फुल नहीं हूँ। मैंने आपको दिया, आपने बाहर भेजा, आप SEZ के अंदर बैठे। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी आप पूरा बिल लगाओ, ITC चार्ज करो, उस बंदे को उसका ITC मिल जाए, मतलब मैं टैक्स लगाऊंगा आपसे, मैं आपको कहूंगा सर 100 रुपए की चीज है, आपको 118 की पड़ेगी, ठीक है। एक चीज, इसमें भी दो ऑप्शन थे, 18 रुपए मैं अपनी पॉकेट से जमा करवा दूंगा, बाद में रिफंड दे लूंगा, आपको 100 का ही मिलेगा, या फिर मैं कहता हूँ सर आप मेरे को 118 दे दो, 18 का रिफंड आप खुद ही ले लेना। गवर्नमेंट कहती है ये वाला कर लो, ठीक है, इसमें तो मेरे पास आना ही आना है रिफंड के लिए, तो ये ITC का भी रिफंड ले लेगा और इसके आउटपुट पे अगर कोई टैक्स होगा तो उसमें ये एडजस्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो हमारा काम ना सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वो कहता है कि जी ITC ऑफ द टैक्स पेड ऑन द डीम्ड एक्सपोर्ट, यहाँ पे पहली ऑप्शन कौन सी ली मैंने, टैक्स पेड वाली करवाई। तो वो कहता है अलाउ टू द रेसिपियंट, सप्लायर नहीं रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता, वो कहता है कि जी रेसिपियंट को बोलो वो खुद ही ले लेगा, फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ सच टैक्स पेड इज नॉट द ITC इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन, देयरफॉर द ITC अवेल्ड बाय द रेसिपियंट फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ द टैक्स, इसको हम रिफंड, ठीक है। और एक और बात, अगर आप आगे टैक्स जमा करवा रहे हो तो आपका ITC यूटिलाइज ही हो जाएगा, ठीक है, और अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो आप रिफंड अप्लाई कर लेंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो वो ऐसे था कि मेरे परचेज के ऊपर टैक्स ज्यादा था और सेल के ऊपर टैक्स कम, मतलब परचेज जो मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ लेट अस से उस पे 18% था और सेल जो करता हूँ उस पे 5% था, तो मेरा ITC एक्यूमुलेट होता रहता था और सरकार कहती है फिर आप उसमें रिफंड अप्लाई कर सकते। मैं कहता सर मेरा ना रिफंड किसी और वजह से बनता है, कहता क्यों, वो कहता है कि सर कंसेशनल कोई नोटिफिकेशन आ रखी है जो कि गवर्नमेंट ने मेरे को बोल रखा है कि आपने ये कंसेशन पे देना, या गवर्नमेंट की ग्रांट मेरे को आती है 100 रुपए में से 70, गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर वैल्यूएशन चैप्टर कर आपको याद हो तो नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो मैं 100 रुपए का सामान खरीदता हूँ और 120 का बेचता हूँ, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट कहती है कि 120 में से 110 रुपए हम दे देंगे, आपसे 10 रुपए की बिलिंग करो, तो मैं 10 की बिलिंग करता तो मेरा ITC बड़ा कम यूटिलाइज होता है, बाकी सारा मेरा एक्यूमुलेट हो गया, तो इस केस में मेरे को रिफंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मिल जाए, तो इसको उन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर दिया जब कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से मेरी जो सेल थी वो डिस्काउंटेड प्राइस। ये ओमिट हुई है जी रूल 95A, रूल 95A को ओमिट कर दिया है इन्होंने, जिसमें वो क्या कहते थे कि जौन सी ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, ठीक है, जो रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि डिपार्चर एरिया ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इमिग्रेशन के बाद, मतलब वो सारे लोग तो फॉर श्योर अब इंडिया के बाहर ही जा रहे हैं जिनकी इमिग्रेशन भी हो चुकी है, तो वो कहता है जैसे कि जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को फॉरेन एक्सचेंज लेकर पैसे दे रहे थे उनको हम बोलते थे कि आप रिफंड ले, ठीक है, उनके लिए रिफंड की प्रोविजन, आउटपुट पे टैक्स नहीं है, इनपुट पे जो टैक्स पे किया वो आपको पे करना, ठीक है, उनके लिए रिफंड की प्रोविजन खत्म कर दी, रिफंड ऑफ द टैक्स, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, अक्टूबर 1, 2022 से वो कहता है 20 करोड़ से 10 करोड़ तक, दिस इज एन इम्पोर्टेंट। फाइन जी, ये सुन लीजिए प्लीज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जी अगर हमने कोई डेट एक्सटेंड की, ठीक है, अगर हमने कोई भी लेट से बड़ी बार ना लास्ट डेट को जब वेबसाइट नहीं चल रही होती तो बहुत सारे लोग पटीशन फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, इतनी हमारी न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, वेबसाइट नहीं चलती, हम कैसे रिटर्न भरेंगे फलाना करना। हाई कोर्ट ने बोल भी दिया जी डेट एक्सटेंड होगी, तो जब हाई कोर्ट ने बोल दिया डेट एक्सटेंड होगी तो वो कहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो किस किस के ऊपर अप्लाई होगा वो आप ध्यान से, ठीक है। नंबर वन सी, मैं शॉर्ट में आपको एक लाइन में बता कि मैं सभी एपलेट अथॉरिटीज के ऊपर, अपील्स का चैप्टर में जाओ, कमिश्नर अपील्स, सस्टैट,
ठीक है, हाई कोर्ट और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके ऊपर ना, ठीक है, वो तो एडजुडिकेशन कर रहे हैं और फ्रेश कर रहा है, उन सब के ऊपर डेट एक्सटेंड की नहीं। तो तीन पार्ट्स इन्होंने बताए हैं, कहता है कि प्रोसीडिंग जो कि अभी इनिशिएट होनी है या जो कंप्लायंसेस करनी है टैक्स पेयर ने, वो कहता है कि जी वो तो एज पर द स्टेच्यूट ही चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो डेट्स हैं इट विल नॉट बी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आता है जी, सिर्फ एपलेट अथॉरिटीज आती, सुप्रीम कोर्ट के नीचे सिर्फ एपलेट अथॉरिटीज आती है, एडजुडिकेटिंग और रूटीन कंप्लायंसेस वाले ऑफिसर्स उनके नीचे नहीं। और वो कह रहे हैं जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं बाय द टैक्स अथॉरिटीज वो भी स्टैट्यूट के हिसाब से ही चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई अपील है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्वासी जुडिशियल यहाँ पे भी आ रहा है, क्वासी जुडिशियल ऊपर भी आ रहा है, सी ऊपर क्या है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और वो कहते हैं कि कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो कि फ्रेश ऑर्डर पास करी उसके ऊपर भी ये नहीं लगेगा। लेकिन वेन एवर एनी अपील, द कीवर्ड इज अपील, इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल बिफोर द ज्वाइंट और द एडिशनल कमिश्नर अपील्स और द कमिश्नर अपील्स और द एपलेट अथॉरिटी फॉर द एडवांस रूलिंग ट्राइब्यूनल, कोई भी ट्राइब्यूनल, वेरियस कोर्ट्स अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल ऑर्डर और एनी प्रोसीडिंग फॉर द रिविजन के लिए, अगर आपने कोई अपील की है, रेक्टिफिकेशन के लिए की है, देन द टाइम लाइन फॉर द सेम वुड स्टैंड एक्सटेंडेड एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स। उसने नीचे फिर से बताया है जी, इन अदर वर्ड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर है इट विल बी एप्लीकेबल टू एनी अपील, एनी अपील, अब आप एडिशनल कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील, एपलेट अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग ट्राइब्यूनल या किसी के पास भी चले जाए, वो अपील्स वाले मैटर्स के अंदर डेट एक्सटेंड हो जाए। नेक्स्ट आ रहे हैं जी, ये आपको थोड़ा सा खुद पढ़ना पड़ेगा, वो कहता है कि जी सर्च के केसेस में ना हमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है, इनकम टैक्स की सर्च याद है आपको, इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू आपको बताता हूँ। सर्च क्या होता है, जब आपके घर पे रेड पड़ती है जी, चेकिंग वगैरह के, तो कहता है कि जी एक पहले तो जो ऑफिसर है जो ऑथराइज कर रहा है, एक तो इसमें सीपीसी सीआरपीसी की लगती है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह को लेकर आते हैं, तो वो कहता है कि जी उसके पास वैलिड और जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए कि यहाँ पे रेड हमने क्यों करनी है। फिर वो कहता है आजकल जो ऑर्डर्स हैं वो फेक ऑर्डर ना हो, इसलिए डिन नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, उनके पास होना चाहिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें ऑनलाइन, आप डिन नंबर डालिए जी इनकी वेबसाइट पे जाकर जीएसटी के, और वो ऑर्डर आ जाएगा वहां पर वेबसाइट पर, तो जेन्युइन होगा, अगर फेक बंदा आया होगा तो उसका वो डिन नंबर वेबसाइट पे नहीं। अब वो कहते हैं कि जी जिसकी तलाशी लेने आए थे वो तो डेथ हो गई उनकी, सो इन दैट केस लीगल हायर्स के लिए आपको फ्रेश ऑर्डर लेकर आओ, फ्रेश वारंट, तो सेम पे आप उसके लीगल हायर्स को तंग नहीं, किसी के घर जा रहे हैं तो लेडी ऑफिसर का साथ में होना जरूरी, दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस का होना जरूरी है, आपने देखी रेड मूवी उसके अंदर वो स्कूल के मास्टर और किसी दो बंदों को बुलाकर, ठीक है, जो कि रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स हो ऑफ दैट लोकैलिटी, जिनकी समाज में थोड़ी सी रिस्पेक्ट, और पहले आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी तभी आप रेड शुरू कर सकते हैं, और वो आपकी आइडेंटिटी अच्छे से चेक कर सकते हैं, आपकी भी तलाशी ले सकते हैं। फिर वो कहता है कि जी सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस, ठीक है, अब आप करवाएंगे और एट द ऑन द बॉडी ऑफ द सर्च ऑथराइजेशन, ठीक है, जो सर्च ऑथराइजेशन लेटर है उस पे भी उन दोनों विटनेसेस के साइन, पंचनामा जी लास्ट में होता है कि हमें क्या क्या मिला, आपके क्या क्या बयान थे, कितने दिन चली, कब शुरू हुई, कितने दिन रहे, कौन कौन सा ऑफिसर आया था वगैरह, सब कुछ, कैश कितना मिला, गोल्ड कितना मिला, प्रॉपर्टी के पेपर कितने मिले, वो कहता है अगर कोई सेंसिटिव प्रोमाइसिस, ठीक है, कोई भी लाइक से मंदिर या कुछ हो सकता है, तो कहता है कि आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि आपने तोड़ दिया, म्यूजियम में आपने कहा कि सर ये 2 करोड़ की चीज आपने तोड़, तो ऐसा अगर सेंसिटिव है तो आप वीडियोग्राफी भी अपनी कर। फाइन, जो सोशल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जिन लोगों के भी आप करके करने गए हैं, तो कहते शैल बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, ऐसे नहीं कि उनके मंदिर के अंदर आप जाकर सब कुछ ऐसे फरोल दें और गिरा दें और ऐसे, तो उनके सेंटिमेंट्स आपने हर्ट नहीं कर। डॉक्यूमेंट्स जो है जी आप उनके सीज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास राइट रहेगा, दे कैन टेक द कॉपीज, और अगर कोई अमाउंट उसमें से नोट करने एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, पंचनामा का हर पे साइन होना चाहिए, कम से कम 20-25 पेज की बन जाती है जी पंचनामा, ठीक है, और वो कोई स्टेटमेंट अगर आपने रिकॉर्ड की थी तो वो स्टेटमेंट भी टाइप करवा के आपको उसे सुना के उसे साइन करवाने पड़ते हैं कि आपने ये बोला है, और सर्च ओवर हो जाए तो सब कुछ आप उनको वापस कर देंगे जी, और पंचनामा साइन होते ही आप जल्दी से प्रमाइसिस को छोड़ के जाएंगे, और कोविड-19 के चलते वो कहता है कि जी प्लीज हैंड सैनिटाइज करके जाइए, मास्क।
नेक्स्ट पेज थर्डली क्रॉस है, नथिंग। पेज नंबर 39 के ऊपर आ रहे हैं। B2B MRO सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो उसका उन्होंने बताया है कि POS काम बनेगा। मैं बता देता हूँ, B2B समझ में आता है बिजनेस टू बिजनेस, MRO होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप किसी दे रहे शिपिंग इंडस्ट्री में, किसी शिपिंग कंपनी को अगर आपने सर्विसेज दी हैं तो वहां पे वो कहता है POS कहाँ बनेगा, तो वो कहता है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर वो इंडिया की शिपिंग कंपनी है तो इंडिया में बन जाएगा, अगर वो पेरिस की शिपिंग कंपनी है तो फिर वो इटली, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट या फिर लोकल के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये ऑब्वियस है जी, मैं बता देता हूँ। आप ही की कोई फॉरेन ब्रांच थी, इंडिया की कंपनी उसकी फॉरेन ब्रांच है, वो डिस्टिंक्टिव पर्सन हो गया, तो अगर आप उसको कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा, इट विल बी अ नॉर्मल सप्लाई, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कह सकते। आपने तो अपनी 10 फर्म में खोल लेनी है बाहर, उनको सर्विसेज देते हैं ना, आपने यहां से मैं तो इतने करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, पैसा हमारे पास कुछ आया, तो वो कहता है कि जी ऐसे नहीं होगा। अगर आपका अपना ही कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिसर ऑफिस है या फॉरन कंपनी जो आप ही की वो है, सो इन दैट केस उसे नॉर्मल सप्लाई माना जाएगा बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट, उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहा। नेक्स्ट पेज थर्डली क्रॉस है जी, पेज नंबर 40-41 पे आ रहा है। जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, इट इज ऑल्सो अ वेरी रिडिकुलस एक्सटेंशन, ठीक है जी। 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, तो ये पहले 5 साल के लिए आई थी जुलाई 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद है आपको, कंपनसेशन टू द स्टेट्स इफ देयर इज एनी लॉस, ठीक है। तो अब उनको इतनी भाग गई जी ये कंपनसेशन से, तो उन्होंने कहा चलो 5 साल और, ठीक है, और कंपनसेशन देते हैं 5 साल। काउंसिल ने किया जी, अब उसमें स्टेट के भी बंदे बैठे हैं, सेंट्रल के भी, मिल बांट के ही खा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है जी कुछ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, दिस टाइम इको को ना हमने बोला था कि जी कुछ सर्विसेज के केस में, प्लीज ध्यान से सुनना, इको को हमने बोला था कुछ सर्विसेज में जीएसटी आपको जमा करवाना पड़ेगा, 3, ठीक है। मैक्सी कैब, मोटर कैब, रेडियो टैक्सी के केस में तो हमने कहा हमेशा ही आपको जमा करवाना, होटेल कैंप साइट के केस में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है फिर आपको करवाना है, और ये जो था अर्बन क्लैब, ठीक है, कोई कारपेंटर और ये सब सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो रजिस्टर्ड है फिर वो खुद जमा करवाएंगे, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा, ये बात याद है। इसमें एक आइटम और ऐड कर दी गई है, रेस्टोरेंट सर्विस। आजकल रेस्टोरेंट वाली सारी डाइन आउट ऐप और हर जगह से आप बुक कर रहे हैं और वहीं से आप पे कर रहे हैं, जब आप वहां से पे करेंगे तो फिर उसके ऊपर पूरा जीएसटी, पूरा जीएसटी इको को जमा करवाना है। हमने कहा सर वो रेस्टोरेंट जिसमें हम गए वो रजिस्टर्ड है, कहता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो मैंने आपसे पूछा, ठीक है, पूरा जीएसटी ईको को जमा करवाना पड़ेगा और ये ईको की ही सप्लाई के अंदर ऐड किया जाएगा वगैरह। गॉट दिस, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनो। तो वो कहता है कि जी ईको को टीसीएस कलेक्ट करना है, अब ये थोड़ा ये भी समझिए जी, दो काम ईको को दिए गए, एक पूरा का पूरा जीएसटी कलेक्ट करने का और टीसीएस 1 आधा%, ठीक है, ध्यान से सुनना। कहता है कि जब मैं पूरा जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं उन पे टीसीएस नहीं लगा, टीसीएस वाले सेक्शन ने बोला कि जिन केसेस के अंदर आपको जीएसटी कलेक्ट करने को नहीं कहा गया वहां पे आप टीसीएस ले लो, ठीक है। अब हमने कहा कि सर रेस्टोरेंट पे जीएसटी लगेगा कि टीसीएस, अब वो कहता है जब आपने रेस्टोरेंट पे पूरा का पूरा जीएसटी कलेक्ट करने को बोल दिया 5%, अब टीसीएस नहीं लगेगा, तो वो कहता है कि उनको अभी भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कहता है नो लॉ, अब नहीं उनको करना पड़ेगा क्योंकि 9(5) के अंदर रेस्टोरेंट को 1 जनवरी 2022 से इंक्लूड कर दिया, ये बात समझ में। लेकिन वो कहता है कि जी अगर ये 9(5) में इंक्लूडेड ना होता फिर टीसीएस लगता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लगता है, फाइन जी। वो कहता है कि अब इको को ये जो टैक्स है ये जमा करवाने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, कहते हैं कैसी बात कर रही हो, इको को तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमको अलग से लेने की क्या जरूरत। अब वो कहता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो उसके ऊपर भी इको को, हमने कहा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों के केस के अंदर इको को ही जमा करवानी है, रेस्टोरेंट के थ्रू अगर उसकी कोई सेल इको के थ्रू हो रही है, गॉट दिस। अब वो कहता है कि ये टर्नओवर किसकी ऐड होगी, टर्नओवर प्लीज मैंने शायद ना पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया, टर्नओवर रेस्टोरेंट वालों की ऐड,
ठीक है, बट रिटर्न में इको को भी दिखाना पड़ेगा और रेस्टोरेंट वाले को भी दिखाना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका था कि रिटर्न में दोनों दिखाते। अब वो कहता है कि जी इको इसका आईटीसी ले ले, ये इनवर्ड सप्लाई दिखा दे। वो कहता है इसमें किस बात का आईटीसी, ये कोई आईटीसी। वो कहता है कि इको का आईटीसी प्रोपोर्शनली लॉ या डिसअलाउ करोगे। कहता है इको का तो आईटीसी चेंज ही नहीं हुआ। वो कहता है कि जी इसके अंदर तो रेस्टोरेंट के पैसे मैंने कस्टमर से लिए 105 रुपए, 100 रुपए रेस्टोरेंट वाले को दे दिए, 5 रुपए मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। ठीक है, इसमें आईटीसी तो कोई है ही नहीं, उसका आईटीसी बिल्कुल नहीं हुआ। रेस्टोरेंट वाला अपना आईटीसी देखिए उसका क्या कर। फिर से वही बात, वो कहता है रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर इको आईटीसी ले सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। वो कहता है नहीं कर सकता, ये तो आपको कैश लेजर से ही जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि आपने सारा कैश में ही रिसीव किया है। Contest? और आईटीसी की बात कर रहा है तो वो कहता है इको जो अपने सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर वो आईटीसी ले सकता है और यूटिलाइज भी कर सकता है, लेकिन उसका तो आपको कैश नहीं देना। कहता है इनवॉइस कौन रेज करेगा, ऑब्वियसली इको रेज कर, ठीक है, क्योंकि इको ही इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, दैट इज इट फॉर जीएसटी। जीएसटी की अमेंडमेंट्स इतनी ही है, और इसके बाद जी कस्टम्स की है, जल्दी से कस्टम्स की भी हम कवरअप कर लेते हैं, बहुत हैंडफुल सी। एसडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं जी। एसडब्ल्यूएस अगर आपको याद हो तो 10% ऑफ द ड्यूटी, जैसे बीसीडी का रेट 10% है तो 10 का 10% 1%, तो एसडब्ल्यूएस 1%। बैगेज पे याद है मैंने आपको ड्यूटी बताई 35%, तो वहां पे 3.5। तो वो कहता है कि अगर ड्यूटी किसी वजह से जीरो हो तो एसडब्ल्यूएस लग सकता है। तो हमने कहा फिर कैसे लगेगा, अगर ड्यूटी ही जीरो है तो 0 का 10% जीरो होगी, तो फिर हमने कहा एसडब्ल्यूएस नहीं लग सकता। तो उस पर सर्कुलर निकाला, अच्छा हमें तो पता ही नहीं। फाइन, और अगर आप कस्टम ब्रोकर का काम करना चाहते हैं जी, काफी पहले ही इनकी एक एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट ने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होगी, एल्स आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस भी ज्यूरिसडिक्शन में आप फॉल करते हैं वहां पे आपको ये करनी पड़ेगी, और आप दो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं एसोसिएशन में मेंबर नहीं बन सकते, एक ही जगह आप बन सकते। नेक्स्ट पेज पे वैल्यूएशन वाला ये जो टॉपिक है थरली क्रॉस कर रहे हैं जी, ये सारा पेज क्रॉस है। 46, 47 के ऊपर आ रहे हैं। ऑथराइज्ड कोरियर्स, ठीक है जी, जॉन से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो कोरियर कंपनी थी, इनको भी गवर्नमेंट ने ना काम थोड़ा सा इजी किया। पहले इनकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होती थी 2-4 साल, 5 साल, गवर्नमेंट ने क्या किया इनको फॉर एवर, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, और अगर आप काम नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप इनऑपरेटिव थे, इनएक्टिव थे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उस केस के अंदर कमिश्नर को बोला कि वो दोबारा से आपकी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर सकते। अगले पेज के ऊपर, ओके सुन लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। कहते हैं कि जी कोई कंसाइनमेंट मिला जी सस्पेक्टेड, हमें किसी ने बोला सर ये चीज यहां पे पड़ी है, किसकी है, कहां से आई, किसी को कुछ नहीं। इन दैट केस जो पीओ है वो एक लेटर देगा एसओ, ऐसे को दैट इज अ स्पेसिफाइड अथॉरिटी को देगा और उनको बताएगा कि ऐसे ऐसे हमें कुछ मिला है। तो वो ऑथराइज करेगी पीओ को कि पीओ उसको जाके कलेक्ट करे, अपनी कस्टडी में ले, खोल के देखे क्या है, और फिर उसे रख भी सकता है, न्यूज में डालना है न्यूज में डाले जो मर्जी। ठीक है, बट पीओ खुद ऐसे उठा नहीं सकता। ठीक है, सो इन दैट केस वो कहता है कि जी हमने प्रॉपर आपको फॉर्म आई फाइल करना पड़ेगा जिसमें आप अंडरटेक करना चाहते हैं, प्रपोजिंग टू अंडरटेक द कंट्रोल डिलीवरी ऑफ सच कंसाइनमेंट, और ये आप रिपोर्ट फाइल करेंगे एंड पुट अप बिफोर द एसए। उसके बाद एसए आपको कंसीडर करके अप्रूव करेगा और उसके बाद आप जाके उसकी डिलीवरी ले सकते हो, मतलब उसको पिकअप कर सकते। दैट इज इट, कस्टम्स की बहुत कम ही थी। सो पेपर से पहले आई वुड रेकमेंड यू कि आप इसे 2 या 3 बार अच्छे से गो थ्रू करें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें से पेपर बहुत ज्यादा भी आ सकता है और शायद एक भी क्वेश्चन ना आए।